ఆదర్శయః పరమేశ్వర కా ధామ్మై జీవన కా ఆదర్శయః పరమేశ్వర కా ధామ్మై బచ్చా బచ్చా రామ్మై బచ్చా బచ్చా రామ్మై. हमारे महापुरुषों ने तो सब हद ही लिख दिया है ना, सार सार ही निचोड़ करके हमको दिए हैं, है ना. आया ये क्या, ये भागवत के लिए निगम कल्पत और गलितम फलम, ये फल कैसा फल है, रडी है ऐसा रस, रस स्वरूप रस से गलितम रसम. निगमम मतलब क्या, निगमम मतलब क्या, वेद, वेद निगम कल्पतरोर गणितम फलम, वेद का सार ये फल है. ये फल क्या है, भागवतम विवत भागवतम रसमालयम. भागवत बहुत आनंद मिलता है, आनंद देता है. हाँ, आनंद के तो सागर है. हाँ, ऐसे तो भजन का बाद में क्या बोलता है, आज के आनंद की जय हो. मेरा भगवान कृष्णा का फोटो खींच के मैं फेसबुक में कैसा डालता है ना, पूजा के बाद में आज की आनंद, यही डाले, कोई अलग नहीं, आज की आनंद है, आनंद ही आनंद. हाँ, भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप है. ये जीवन का आदर्श क्या है, यहाँ से निकलने के बाद में हम कहाँ जाना, कहाँ जाएंगे पता है, अभी आप कहाँ तक जाते हैं, आपको टिकट है, हमको भी टिकट है, उसको टिकट है, हमको अधिकार भी है, कोई हमको बोलने का चलता नहीं, अरे टिकट है बाबा देखो, इधर ही उतर सकोगे. टीसी को रेलवे मिनिस्टर को भी अधिकार नहीं, हमारे पास टिकट है, हरिद्वार तक हम बैठेंगे. हम रेलगाड़ी में टिकट लिया, अधिकार है, सही है. ये शरीर से कब निकल, आज 10 साल के बाद में, 20 साल के, कोई गारंटी नहीं, आज रात में ठीक, कोई भी ठीक नहीं. ये तेलुगु में कहता है वान राकड़ा प्राणम पोगड़ा, मतलब बारिश कब आता है किसी को मालूम नहीं, प्राण कब चलता है पता नहीं. ऐसे तो कर्ण ने कहता है महाभारत में, यमस्य करुणा नास्ति, यमस्य करुणा नास्ति कर्तव्यम धर्म संग्रह. यमराज कोई उपेक्षा नहीं करता है, उपेक्षा नहीं करता है, समय हो गया इससे गल्ला पूछ के लेता है. आपका मेरा बाप, मेरा पुत्र, मेरा भवन कोई नहीं देखता है. आगे जन्म, अगले जन्म क्या होता है, सो रहता है पता नहीं, किंग महाराज होता है पता नहीं. ये जन्म हम सार्थक करना, जीवन का आदर्श परमेश्वर का धाम है, परमेश्वर के पास जाना. कैसा जा सकते हैं, एक बच्चा है 20 साल ऐसा है, वो किरस्तानी है, उन्हें कहा स्वामी जी आप इतना रूल बोलता है, रूल रूल, हम लहसुन प्याज भी नहीं खाता है. जीवन में लहसुन प्याज भी नहीं खाता है, मांस नहीं, मध्य नहीं, ऐसे ज्यादा रूल्स है, नियम, नियम आवश्यक भी है अवश्य, बिना नियम भगवान का पास कैसे जाता है, केवल ऐसे करना से जाता है, नियम जरूरत है, जंतु को नियम नहीं, हम इंसान हैं, भक्ति मार्ग में है. वो कहा इतना रूल बोलने से कितना लोग वो फॉलो कर सकता है, कितना लोग भगवान के पास जाता है. हमारा भगवान है इजी है, आप कोई काम करो परवाह नहीं, प्रार्थना करने से हमारा भगवान के पास जा सकते हैं. ये अच्छा नहीं बाबा, सच्चा बनना के बाद में वो लेता है भगवान. पुरंदर दास ने कहा भगवान के पास जाना आपकी इच्छा है तो 100 मार्क आने के बाद में जाता है, 99 भी 90 नहीं, 90 बोलते दुब्बे बोलते हैं तेलुगु, जाओ 99 आने से भी
आपको डोर नहीं खुलेगा। क्यों? भगवान के पास जाने का 100 मार्क आने, 100 मार्क्स आने वो जरूरत है। कैसा आता है? कलयुग केवल नाम आधा, नाम कर, नाम कर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोल सकते हैं ना? मालूम है ना? बोलो केवल नाम आधा। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण पूरा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। साधु जी आप जी बताओ, हरे कृष्ण मंत्र बोल सकता है? प्रभु हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आप बता रहे हैं आपको सुनना है, सब बताने से नहीं होता। धन्यवाद। उत्तरीय जो है ना इसमें लिखा है। हाँ हाँ, आपका उत्तरी है ना, उत्तरी उत्तरी, इसमें भी हरे कृष्ण मंत्र है। हमारा केवल एक ही अभ्यर्थना है, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र करो। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आचे नगराधिग्राम सर्वत्र होवे मोर। पृथ्वी में कितना गांव है, नगर है, सब जाग में हरिनाम करना। चैतन्य महाप्रभु समय आपको मालूम है, ओ जारखंडा, अभी झारखंड बोलते हैं, झारखंडा, जारखंडा जंगल में जाने समय भगवान का पास वो सब जीव जंतु आया। हमारे यहाँ तो मंदिर सब सब आया, सबसे आप आ रहे किस मंदिर? चंपारण मंदिर है ना अपने। अच्छा, छत्तीसगढ़ में चंपारण है, वहाँ उनका प्राकट्य है। सही है। ऐसे तो हम भगवान की कथा सुनना, नाम जप करना, नीम पालना करना, जीवन को आनंद बनाना, धन्य बनाना, नहीं तो फिर नहीं आता है मानव जी। हमको हमारा बड़ा गुरु जी गुरु महाराज ने बोला, ह्यूमन लाइफ इज नॉट ए चॉइस, इट्स ए चांस। चॉइस नहीं है, चांस है। चॉइस नहीं, चांस है। ये किताब में हम सुबह पढ़ा वृंदावन में, प्रभुपादा हमारा परम गुरुदेव ने जवाब देता है एक भक्तों का क्वेश्चन का। पुष्ट कृष्ण द डिस्क्रिप्शन ऑफ गोलोक वृंदावन दैट इवन द डस्ट इज पर्सनल, सो वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ पर्सनल फॉर्म, इवन कृष्णस फॉर्म इज पर्सनल। हाउ इज द डस्ट ऑफ वृंदावन पर्सनल, हाउ इट इज इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी। प्रभुपाद जवाब, इफ यू वॉन्ट टू समथिंग फ्रॉम दिस डस्ट you cannot get it, that is the material. But in Vrindavan, even from the dust, if you want any, he will deliver immediately, morning walk. Prabhupada Maharaj ko bahut vishwas hai, ye Vrindavan ki dhuli, braj dhuli, ye bhi bahut badhiya, bahut mahatva, pavitra. Haan, ye vishwas bahut zaruri hai na? भक्ति मार्ग में बिना विश्वास क्या करेंगे? बिना विश्वास भगति नहीं, नहीं भी न द्रवई न राम। ये साउथ इंडिया लोग को ज्यादा से ज्यादा तुलसी मानस, तुलसी रामायण मानस है, क्या है उसका नाम? रामचरितमानस। रामचरितमानस ज्यादा से ज्यादा लोग को मालूम नहीं, नहीं बहुत बहुत हमारे उत्तर भारत में ज्यादा, ये बहुत अमृत है, अमृत मध्य प्रदेश उत्तर भारत, ये तो तुलसी रामायण रामचरित मानस बहुत अमृत है, बहुत अमृत है, बहुत अच्छे से और शिक्षामूलक ग्रंथ है ना, बहुत अच्छा है, शिक्षाप्रद है। मैं थोड़ा पढ़ा, पूरा नहीं, थोड़ा पढ़ा, ये पढ़ना जल्द। प्रभु जी आप ये तुलसी रामायण से ये लंका दहन के बारे क्या आप थोड़ा बोल सकते हैं? लंका दहन इसके बारे कैसा वो हनुमान जी किया थोड़ा पढ़ आप बिना श्लोक भी बोल सकते हैं, क्यों ना? ये सुंदरकांड बोलता है ना, ये सुंदरकांड यही समय है ना, ये सुंदरकांड का प्रसंग है, ये बाद में है। पहले तो जो हनुमान की जो लंका यात्रा है, पहले तो आते हैं ये
प्रथम बाधा, प्रथम विघ्न के रूप में सुरसा आते हैं। हाँ, सुरसा आता है।